नवधा रामायण सुनैया दाई दीदी बहनी और मोर भैया मल्ला, हमर ज्ञान गंगा सत्संग मानस मंडली, ग्राम सुमनापुर नया विकास खंड पंडरिया, जिला कबीर धाम की ओर से अब एक छोटे से गायक कमल कुमार पटेल की ओर से सादर प्रणाम पहुँचे। नवधा रामायण के आयोजन काबर किए जाते, नवधा रामायण ल सुने से का फायदा है, ओला मैं बतावत हूँ, ध्यान से सुनिहा। नवधा रामायण ल सुने से सुख शांति के प्राप्ति होते, भाई भाई से कैसे व्यवहार रखना है एकरो हमला जानकारी मिलते, समाज ल सुधारे के जानकारी मिलते और अपन आप ल सुधारे के जानकारी मिलते। आखिरी माँ ये जीवन के बेड़ा पार और उद्धार होए के भी जानकारी मिलते, जेला मैं छत्तीसगढ़ी भजन के माध्यम से सुनाए के प्रयास करूँ। वैसे भी इमानस मंच में बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता आदर्श मानस मंडली प्रभु के महिमा और कथा ला बताइन हमें, प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा ला बखान करे बर बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि और कवि मल्ला चौपाई खोजे बर पड़ गए। एक कवि अपन कविता के माध्यम से भगवान की महिमा ला बखान करे हवय, कैसे बखान करे हवय, धरती सब कागज करूं लेखनी सब बन राई, सात समुंदर मसी करूं तब हरि गुण लिखन जाई। पूरा धरती लते कागज बना ले, रुख राई के कलम बना ले और जतेक पानी ही ओखर स्याही बना ले, ओखर बाद भगवान की कथा ला लिखूं कहिबे ता नहीं लिखावे भैया, महू अपन बुद्धि अनुसार सुनाए के प्रयास करूं। तो आवे नहीं कुछू रे भाई, तो आवे नहीं कुछू रे भाई, सबो कहते तेला सुन के महू दोहरावत हूँ, भूल चुकला माफी देहा, भगवान की कथा सुनावत हूँ, भगवान की कथा सुनावत हूँ। आप मन के ग्राम कोदवा गुड़ान छीर पानी सावतपुर कापादह रणवीरपुर आमगांव जामगांव बांधा टोला उसरवाही भिंघोरी भेलवा टोला लोहारी डीह छाटा मड़मड़ा घोघरा गैंजी और ग्राम पाढ़ी में नवधा रामायण के कार्यक्रम होते, जग जमारा के कार्यक्रम होते, नवदुर्गा के कार्यक्रम होते और होते गीता भागवत। मैं तो कहता अगर नदिया के पानी भले सुखा जाए लेकिन तुहर मन के गांव के सुनताला लगही बहुत दिन में बुतावत, बहुत दिन में बुतावत, बुतावे झन बुतावे झन बिना माचिस मारे तुहर गांव मन के सुनता के दिया है जल जाए, बारो महीना धर्म करम अब ये नवधा रामायण होते जाए, ये नवधा रामायण होते जाए। तो सबसे सादर भीख मांगत हों देवा भक्ति के दान, भक्ति में जागिच मीरा सौरी बजरंग बली हनुमान, बजरंग बली हनुमान। जैसे बसंत ऋतु के आगमन होते, फागुन के महीना लग जाते, मौसम घलो बदल जाते, तब हम चारों मुड़ा काका देखथन, परसा फुलथे रुख हरिया थे आमा मऊरे जाए, लगे महीनवा फागुन के घर कुरिया बड़ ममहाय, घर कुरिया बड़ ममहाय। दो दिन के बाद तिहार मान लो तब का होही, घर घर चूरही रोटी बरा, घर घर चूरही रोटी बरा, सब चाँट चाँट के खाही, मर गए जीव जेन माटी में मिल गए, उमन कहाँ ऐसन पाही, उमन कहाँ यहाँ आही। तो भैया हो तीन चीज अपन स्थान ला छोड़े के बाद दोबारा वापस नहीं आ सके, पहला तन ले छूटे प्राण, दूसरा निकले मुँह के जुबान, तीसरा छूटे धनुष के बाण। तो भागवानी जीवन जागाओ, तो भागवानी जीवन जागाओ, हो गए नवा बिहान, राम नाम हृदय में लिख के भैया जपो हरि के नाम, जपो हरि के नाम। चार दिन के जिंदगी ला, चार दिन के जिंदगी ला ते सुखघर बने संवार ले, सुखावे झन बीरवा तेखर पहली पानी ल डार ले, तेखर पहली पानी ल डार ले। जिन मन मंदिर मा राम विराजे, जिन मन मंदिर मा राम विराजे, वो मन मंदिर ल झांक ले,
राम नाम हृदय में लिख के भैया ए पापी कायाला तार ले, ए पापी कायाला तार ले। बोल श्री रामचंद्र की जय। तो आवाओ कथा प्रारंभ करे के पहली देवता धामी के अर्जी बिनती और सुमिरन ला कर ले, ओखर बाद कथा में जाबो। गणपति है गजवदना, तोर नाम है गणेश, माता भवानी पार्वती है, पिता तोर महेश, पिता हवे तोर अंतर्यामी, पिता हवे तोर अंतर्यामी, माता है जग जननी, ब्रह्म विष्णु तोर बड़े बाप है, सरस्वती तोर बहिनी, जग के पालन करता धरता, जग के पालन करता धरता, तोर जम्मू परिवार है, विघ्न हरो मानस माया के, मोर बिनती बारंबार है, मोर बिनती बारंबार है। तो आवाओ गणेश जी के वंदना और पूजा काबर आगू होते, ऐसे का काम जिन करिस जेखर से आज गणेश जी के नाम संसार मा अमर हो गए भैया, जिला मैं वंदना के रूप मा सुनावत हूँ। दला बनाए चारों धाम गजानन, तब होई से तोरे नाम, दला बनाए चारों धाम गजानन, तब होई से तोरे नाम। दाई ददला अंगन में बैठारी के, सतु भवर परिक्रमा ल करी के, दाई ददला अंगन में बैठारी के, सतु भवर माल करी के, पूजा करे त दिन मां, कैसे बुद्धि पागे पार्वती के दुलारे, तोर बड़े भाई कार्तिक स्वामी तोर बुद्धि महारे, कहले कैसे बुद्धि पागे पार्वती के दुलारे, परमा उड़ गे मुसवा चढ़ैया धरती में घूम के, मजूर चढ़ैया परमा उड़ के मुसवा चढ़ैया धरती में घूम के, जीत लीज बड़े इनाम।
हि महरघुपति नाम उदारा राम भजो सिया रामा अति पावन पुराण श्रुति धारा राम भजो सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी राम भजो सिया रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी राम भजो सिया रामा दाय ददल अंग नाम बैठारी के सतु भवर परिक्रमल करी के दाय ददल अंग नाम बैठारी के सतु भवर परिक्रमल करी के पूजा करे त दिन मान के अगुआ बन गे तै लंबोदर स्वामी जिसे देखे स्वामी बन गे तै अंतर्यामी देव कारज के अगुआ बन गे तै लंबोदर स्वामी महरघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति धारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी परमात्मा के नाम हो भैया गंगा जल से महान पवित्र हे ओखर नाम के गुणगान ला चारो वेद करथे परमात्मा के नाम मा ओ चमत्कार हे भैया जेला दुनिया जानथे पहला चमत्कार चरण के छुवत मा पथरा हा नारी बन गे दूसरा चमत्कार सेतु निर्माण करे के समय राम नाम लिखे पथरा हा पानी में तमुराय और बिना राम नाम लिखे पथरा हा पानी में घुड़ाए आउ कई ठी चमत्कार है भैया जिला गिने नहीं जा सके मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी जेखर नाम ले से मंगल काम तो
होबे करथे, लेकिन अमंगल काम ह घलो हो जाथे। तभी तो भगवान शंकर उमा पार्वती परमात्मा के नाम ला दिन रात जपत रहिन, सुरती योग और साधना के धुनी ला रमाए रहिन, भगवान की कथा में मन ला सुघर लगाए रहिन। मैं तो कहता हूँ भैया हो, जिहाँ भगवान की कथा हो वहाँ जाके परमात्मा की कथा ला ध्यान से सुनाओ और सुन के ओमा चलाओ, तभी जीवन के कल्याण है, नहीं तो मरे बिहान है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज देश में, समाज में और गांव में हमला 16 प्रकार के मनखे देखे सुने बर मिलते। कौन मनखे कहाँ दिन काटा थे, कौन कैसे दिन काटा थे, ओला कविता के माध्यम से सुना। एक मनखे चारी चुगली में दिन काटे, दूजे गप सड़क का में, तीजे मन के तिरिया चक्कर में दिन काटे, चौथे जुआ फक्कड़ में। पहला नंबर के आदमी हमार आसपास के गांव में देखे बर मिलते भैया, वो मनखे का करते, बड़े बिहनिया ले उठ ले रही, अटल चौक में बैठे बैठे 10 झन 20 झन के चारी चुगली करे बिना दतवन नहीं चावे। ए पारम जाही तभो चारी करही, ओ पारम जाही तभो चारी करही, और बीच पारम जाही तभो चारी करही। ये पहला नंबर के आदमी भैया। पांचवे मनखे पगरैत में दिन काटे, छठवे चोरी छिनारी में, सातवे मनखे सतसंग में दिन काटे, आठवे ऐसे तैसे में। ये आठवा प्रकार के मनखे का करते भैया, ऐसे मन ही तैसे मतोर संग लड़ ले हूँ रे, ऐसे कहन है। कभू अपन से तोला आगे बढ़न नहीं धकय, बढ़ेल करबे ता तोला गिराए बर सुपा तुमा घलो बजाए लगते। ये आठवा प्रकार के मनखे है भैया। नौवे मनखे नवधा भक्ति में दिन काटे, दसवे दारू भट्टी में, ग्यारहवे मनखे गुन गुन के दिन काटे, बारहवे बारा करनी में। ये ग्यारहवा प्रकार के मनखे कौन है भैया, जेखर जवान बेटा मर गए, जवान पति मर गए, जवान बेटी मर गए, वो माता पिता की जिंदगी दुख में बीता थे, जिया थे तभो ओखर शरीर मुर्दा के समान है, जेखर तीर जावत है ओखर तीर दुख के आंसू हा दिन रात बहत है। ये ग्यारहवा प्रकार के मनखे है भैया। और बारहवा प्रकार के मनखे हा बारह ठी करनी ल करत है, तभो ले पेट हा नहीं भरत है। तेरहवे मनखे तेरी खा खा दिन काटे, चौदहवे चिकन चिकन में, पंद्रहवे मनखे पाप करके दिन काटे, सोलहवे साधु के संगत में। ये तेरहवा प्रकार के मनखे हमार आसपास के गांव में हवे भैया। वो आदमी ला येती ओती ले तेरही के खबर मिली जाते, जैसे खबर मिलते फलाने गांव में तेरही है, हाँ तो वहाँ वहाँ पहुँची जाही, एक दिन में दो दिन में चार दिन में जब भी भेंट होही, कहाँ जात हज बाबा फलाने गांव तेरही माँ। आप मन विचार करो, पूरा जीवन बीत गए भैया तेरही खात खात। मैं तो कही था ऐसे तैसे दिन काटे में जीवन के बेड़ा पार नहीं होवे, कैसे मैं जीवन की बेड़ा पार हो ही, सच्चे मन से माता पिता के सेवा कर, गुरु के सेवा कर, निर्मल मन से परमात्मा की भजन कर, तोर जिंदगी संवर जही, मरे के बाद फिर दोबारा मानुष तन मिल जही, मानुष तन मिल जही। सियावर राम चंद्र की।
तो भैया हो ये तन रूपी पिंजरा के भीतर मा आत्मा रूपी सुवा हा मानव जीवला समझावा थे और का कही थे जिला भजन के माध्यम से सुना। मन से जपले हो जाबे भाव से पार बोले सुवाना कह सुनाऊगा गावोगा हरि भजन
भवत नर पावहि भवथाः पावहि भवथाः कलयुग योग न जज्ञन ज्ञान जज्ञन ज्ञान एक आधार राम गुण गाना राम गुण गाना कौन घड़ी कौन बेरा कौन घड़ी कौन बेरा जीवा छूट जाही बोले सुवाना सुनौगा गावौगा हरि भजन कलयुग के मनखे बर राम कथा हा सार हे, बाकी सब बेकार हे। यही म जीवन के बेड़ा पार हे, नहीं तो जिंदगी अंधियार हे। और आखिरी माँ परमात्मा के भजन नहीं कर बेता, चौरासी के फंदा तैयार हे, चौरासी के फंदा तैयार हे। कलयुग के मनखे बर राम कथा हा सार हे, राम कथा हा सार हे। दूसरा लाइन के चौपाई है का कहा थे भैया, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। आज देख ले बाओ सतयुग त्रेता द्वापर जैसे, ये कलयुग में न योग है न यज्ञ है न ज्ञान है। एक आधार राम के गुणगान है, भगवान के भजन में जीवन के कल्याण है। और नहीं तो मरे बिहान है। मैं तो कहता हूँ भैया हो, ये राम नाम रूपी दवाई ला पीले सस्ता है, ये राम नाम रूपी दवाई ल पीले सस्ता है। जैसे विद्यार्थी पर ज्ञान देवैया बसता है, ज्ञान देवैया बसता है। होटल में सुंदर जलेबी खस्ता है, भवसागर ले पार होना है ता, राम नाम एक रास्ता है, राम नाम एक रास्ता है। पीले दवाई सस्ता है, नहीं ता जिंदगी खस्ता है, नहीं तो जिंदगी खस्ता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
आज देखो हर मनखे के पास टेंशन है, आगे है खाली टेंशन टेंशन टेंशन। आज मैं देखता हूँ नानकुन लड़का घलो है कही थे एगा टेंशन झन देवे, नहीं तो का हो ही रे ठीक नहीं हो ही। ऐसने ही टेंशन वाले एक घटना ला मैं बतावत हूँ। एक पति पत्नी में टेंशन आ गए, वो माई लोगन का करीस बरत हारा कोदो पैरा में झमले कूद दी, देखो देखो कहत कैसनो करके बचाई और बच घलो गए। फिर एक महीना मुखरती टेंशन आ गए, तब वो महिला का करी 10 किलो के पथरा ला नरी में बांध के भरे कुआं में झमले कूद दी। ओतके बेर एक पनिहारिन आ गए, देखो देखो खिलनिया पानी में कूद दी, कैसनो करके उन्हों ले बचाई। धीरे धीरे फिर एक महीना मुखरती टेंशन आ गए, वो महिला का करी बरसात के महीना में नदी के बाढ़े पूरा में जाके झमले कूद दी। उतके बेर मछरी मरैया मन आ गए, देखो देखो कहत कैसनो करके बचाई। कुछ दिन में फिर वो महिला तीर टेंशन आ गए, वो महिला कही थे हे भगवान बड़े बड़े काल में कूदा था तभो ले मोला काल है नहीं खावा थे। तब का करी बिलासपुर के रेलवाही स्टेशन में चल दी और सोचते हैं जैसे रेलगाड़ी आही पटरी में कूदूँ और मरहूँ। बस रायपुर लहाल रेलगाड़ी धक 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 करत आई गए, उतके बेर वो महिला पटरी में झमले कूद दी, भाई गए ओकर शरीर दो टुकड़ा हो गए। मरीज नहीं उतके बेर रमन सरकार के 108 एम्बुलेंस है आ गए, 5 घंटा ले डॉक्टर है वाला जिया डारिस। अब बतावा ओखर जीव है कतका दर्दला झेलिस होही, कतका छटपटाइस होही, हमला नानकुन कांटा की पीरा है सहावे नहीं। तो भैया हो छोटे मोटे टेंशन ला संभालना चाहिए। मैं है गांव में देखता हूँ बाप कहूँ बेटा ला थोड़ा डांट दीस ता बेटा है गेरवाल धर के कोठा डहर फांसी लगावत है, बाबा है कहूँ नाती ला डांट दीस त नाती है ट्यूबवेल में जहर ला पिया थे। आज रामचरित मानस ला खोल के देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर एक नहीं कई बड़े बड़े टेंशन और संकट आए हवाए। राज तिलक होया रही से इति वनवास हो गए पहला टेंशन, दूसरा टेंशन वनवास काल में पिताजी के मौत हो गए ओखर काठी माटी और दस्करम ल नहीं पाई, तीसरा टेंशन पंचवटी से सीता जी के हरण हो गए, चौथा टेंशन लक्ष्मण भैया ला शक्ति बाण लग गए, पांचवा टेंशन रावण ला मारे के बाद सीता जी के अग्नि परीक्षा हो गए, अग्नि परीक्षा में सीता जी पास हो गए। ओखर बाद भी एक साधारण प्रजा के बात ला सुन के प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन मर्यादा ला बचाए के खातिर सीता जी ला वन में त्याग देते। बतावा कितना दुख टेंशन ला परमात्मा हा झेलिस हवय। मैं तो कही था अच्छा जीवन जीना है ता श्री रामचंद्र जी के चरित्र ला अपन जीवन में उतारा, डगमगावा थे जिंदगी रूपी नैया ओला भावसागर से पार उतारा, अपन जीवन ला सफल बनावा, राम कथा ला सुघर मन लगा के गावा, बीच में बैठ के मुड़ ला ढाक के झन ज्यादा उम्भावा। मैं तो कही था प्रेम से जयकारा बोलवावा, बोल श्री रामचंद्र की जय। संसार में दो चीज अमर है भैया, नाम और बदनाम। तो आवाओ एला भजन के माध्यम से सुनी। खाले कमाले रे भाई गाले हरि के नाम गा, सुखर खाले कमाले रे भाई गाले हरि के नाम गा। जग मा एक ठन चिन्हा रही थे नाम यो बदनाम गा, जग मा एक ठन चिन्हा रही थे नाम यो बदनाम गा। सुखर खाले कमाले रे भाई गाले हरि के नाम गा, काले काले रे भाई काले हरी के नाम
जग मा एक ठन चिन्हारे थे नाम यो बदनाम गा। जग मा एक ठन चिन्हारे थे नाम यो बदनाम रावण कुंभकरण विभीषण तीनों एके भाई गा। रावण कुंभकरण विभीषण तीनों एके भाई गा। रावण जग मा चोर कहा गए छोटे के होवे बड़ाई गा। रावण जग मा चोर कहा गए छोटे के होवे बड़ाई गा। दिन के ए जग मा मेला लगे है आना जाना रे। दिन के जग मा मेला लगे है आना जाना रे। भाव सागर मा नाम कमा ले धर्म के ले लेवाना रे। भाव सागर मा नाम कमा ले धर्म के ले लेवाना रे। कथा गिरिजा मैं बरनी रामा भजो सिया रामा राम। कलिमल समन मनोमल हरनी रामा भजो सिया रामा राम। मन कामना सिद्धि नर पावा रामा भजो सिया रामा राम। जे यह कथा कपट तजी गावा रामा भजो सिया रामा राम। छोड़ कुछ नहीं है जग मा कर ले सौदाई मान के। नाम छोड़ कुछ नहीं है जग मा कर ले सौदाई मान के। पापी से पापी मन तर गए नाम लेवत श्री राम के। पापी से पापी मन तर गए नाम लेवत श्री राम के। सुघर खाले कमाले रे भाई गाले हरि के नाम गा। जग मा एक ठन चिन्हारे थे नाम यो बदनाम गा। जग मा एक ठन चिन्हारे थे नाम यो बदनाम गा। जग मा एक ठन चिन्हारे थे नाम यो बदनाम गा। जग मा एक ठन चिन्हारे थे नाम यो बदनाम गा। राम कथा गिरिजा मैं बरनी अब कलिमल समान मनोमल हरनी। मन कामना सिद्धि नर पावा अब जे यह कथा कपट तजिगावा। जेन मनखे अपन जीवन ला कृतार्थ करे बर चाहते मोक्ष प्राप्त करे बर चाहते वो मनखेला भगवान के अमृत रूपी कथाला एकान रूपी दोना ले पिए बर पर ही। यही बात ला भगवान शंकर गिरिजा भवानी पार्वती ला बतावा थे कि हे उमा कलियुग मा मनखे के पाप ला धोए बर मनखे के मन रूपी मैल ला धोए बर
ये राम कथा ला संजीवनी बूटी के समान बताए गए हे। दूसरा लाइन के चौपाई है का कही थे भैया, मन कामना सिद्धि नर पावा और जे यह कथा कपट तजिगावा। जेन मनखे हा छल कपट ला छोड़ के भगवान के कथा ला सुनथे उही आदमी के मनोकामना और सिद्धि हा पूरा होथे भैया। बोल सियावरे रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के नर नारी मा भगवान के प्रति अब्बड़ श्रद्धा है, आस्था और विश्वास है भैया। आप मन यकीन नहीं करी हा, कोनो मनखे हा कुछ भी पथरा ला उठा के ओमा अंदन बंदन और चंदन लगा के कहूँ चौबट्टा मा बैठार दिसता ओखर पूजा पाठ दाई दल ज़्यादा होते। यही तो छत्तीसगढ़ के अलगे पहचान है, कोठी मा धान है तेखर सेती भारत देश मा पहली एखर मान है, पहली एखर मान है। छत्तीसगढ़ के कोना कोना मा शहर गवई खेत खलिहान जंगल झाड़ी नदी तालाब और डोंगर मा कई मंदिर और कई देवी देवता के वासा है। मैं तो कहता हूँ भैया, छत्तीसगढ़ के भाग जबड़ है, प्रभु श्री राम के रिश्ता नाता है। तो आवाओ एक भजन, भारत जैसे देश नहीं है छत्तीसगढ़ जैसे राज, अवधपुरी कस ग्राम नहीं है सुनो सुना आज। देश माँ हमर छत्तीसगढ़ माँ भारी देवता हवै हो, हमर भारत देश माँ हमर छत्तीसगढ़ माँ भारी देवता हवै हो, हमर भारत देश माँ हमर छत्तीसगढ़ माँ भारी देवता हवै हो, बंजारी
चंडीगढ़ म भुवनेश्वरी रायपुर म बंजारी हमर गाँव ई गाँव भलो हे महान हमर भारत देश हमर छत्तीसगढ़ माँ भार देवता हावे हो हमर भारत देश हमर छत्तीसगढ़ माँ भार देवता हावे हो कवरधामा भोरम देव के मंदिर है निशानी कभो नहीं अटाए चूहा दरिया के पानी कवरधामा भोरम देव के मंदिर है निशानी जाना देख लेना तह दिन मान हमर भारत देश माँ हमर छत्तीसगढ़ माँ भारी देवता हावे हो हमर भारत देश माँ हमर छत्तीसगढ़ माँ भारी देवता हावे हो धन्य धन्य वह देश को धन्य धन्य वह ग्राम धन्य धन्य वह जीव को जो लेत राम के नाम धन्य है हमरो भागला भैया जेन भारत जैसे देश में जन्म मिली धन्य है हमरो भागला भैया जेन तुहर जैसे ग्राम में आए के मौका मिली और धन्य है हमरो भागला भैया आज तुहर संग मा नवधा रामायण सुने के और सुनाए के अवसर मिली बोल सियावर रामचंद्र की जय संगत से गुण आत है संगत से गुण जाय पानी पाथर तुमड़ी संगे चले तर जाही गा भैया या न बैठ रामायण मां पाया तोर तर जाही गा भैया या न बैठ रामायण मां उल्टा नाम जब भैया तर गे सुवा पढ़ावा समझा
अद्भुत महिमा राम लला के कहे मने तो सिराय। अद्भुत महिमा राम लला के कहे मने तो सिराय। लिखे गोसाई एक चौपाई सुन ले बे कान लगाए। एक हरि के नाम बिना जीव दर ठोकर खाए। लिखे गोसाई एक चौपाई सुन ले बे कान लगाए। एक हरि के नाम बिना जीव दर ठोकर खाए। चरण धोवा तुमा के वट हतर गे भक्ति करे तर जाहीगा भैया या न बैठ रामायण मां। उल्टा नाम जपैया हतर गे सुवा पढ़ावत गड़िका हतर गे। उल्टा नाम जपैया हतर गे सुवा पढ़ावत गड़िका हतर गे औका तोला समझा। रामायण में बैठे से रामायण ला सुने से बहुत बड़े फायदा है भैया। हमर पुरखा मन के हाना त आज देवता के बाना। जी हाँ बने के बात आही बिगड़े के बात आही तो वहाँ हमर सियान मन के हाना हाँ शुरू हो जाते। का कही थे संगत से गुण आत है संगत से गुण जाए पानी पाथड़ तुमड़ी संगे चले बुहाय। अच्छा मनखे के संगत करबे त ज्ञानी बनबे विद्वान बनबे धनवान बनबे एक अच्छा इंसान बनबे। गलत मनखे के संगत करबे त चोर बनबे चंडाल बनबे शराबी बनबे जुआड़ी बनबे और अंत मा कबाड़ी बनबे। लेकिन ये सुखा तुमा मा का ताकत है भैया। जेन हा पथरा जैसे मूर्ख व्यक्ति ला अपन संग में बहा लीच अपन संग में तार लीच ये सत्संग के प्रभाव है। सत्संग के प्रभाव ऐसे है भैया। भैया आज वाल्मीकि ला देख लेव अपन जीवन में कतका चोरी डकैती लूट मार करी और अंत में अच्छा संगत ला पाके आज रामचरित मानस ग्रंथ के रचना कर डारी। यही रामचरित मानस ग्रंथ आज मानव जीवन के लिए डोंगा बने हैं जेमा चढ़ के भवसागर पार किए जा सकत है भवसागर पार किए जा सकत है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो आवा चैतु मंगलू के प्रसंग की ओर चली। आदमी के जैसे मौत होते शरीर घर में छूट जाते और जीवात्मा सीधा यमलोक चले जाते। यमलोक में यमराज हा
मनखे के कर्म अनुसार सजा देते। अच्छा कर्म करने वाला ला बैकुंठ भेजते, गलत कर्म करने वाला ला नरक भेजते। एक दिन चैतू और मंगलू के जीवात्मा हाँ अपन मृत शरीर ला छोड़ के यमलोक पहुँचे। यमलोक मा यमराज हा पहली नंबर मा मंगलू ला पूछते, बता मंगलू तय अपन जीवन मा धर्म कर्म पूजा पाठ माता पिता के सेवा करे हच नहीं, नवधा रामायण सुने हच नहीं, भिखमंगा ला भीख दे हच नहीं। तब मंगलू हाथ जोड़ के यमराज ला बताते, महाराज मोर से जैसे बनी जेन आप मन बोला था वो सब काम करके मैं आए हूँ। ऐसे हाँ तब तो ठीक है, लेकिन मंगलू के बात माँ यमराज ला भरोसा नहीं हुई। भैया अपन मंत्री ला कही थे, मंत्री जी ये मंगलू के जिंदगी के खाता ला देखाओ, ये सही बोला थे कि झूठ बोला थे। ओखर मंत्री मंगलू के खाता ला देखते तो हर पत्ता में धर्म कर्म लिखाए हवा आके बताते, महाराज जैन शब्द मंगलू बोले है वो सब सही है। तब यमराज है कही बैकुंठ के गेट खोल देवा और बैकुंठ पार कर देवा। मंगलू बैकुंठ पार हो गए। दूसरा नंबर में चैतू लगे थे, बता चैतू तय अपन जीवन में धर्म कर्म पूजा पाठ माता पिता की सेवा करे हच नहीं, नवधा रामायण सुने हच नहीं। भाई गे चैतू चेप चेप करे लगी, काबर वो तो जीवन भर अधर्म के रास्ता में चले हवा। कही थे महाराज जेन प्रश्न मोर सो आप मन करे हवा ओखर उत्तर मोर पास नहीं है। यमराज अपन माथा ल पकड़ ली और कही थे, अरे मूर्ख जेन माता के ओद्र से तय जन्म पाए ओहू माता ल भुला गे, अब तोला 84 लाख योनिला भोगे ल पर ही, तोर बर नरक के गेट ल खोले बर पर ही। तब चैतू यमराज के दोनों पैर ला पकड़ के कही थे, महाराज मोर से गलती हो गए, मोर गलती ला क्षमा करा महाराज, मोर गलती ला क्षमा करा। तब यमराज कही थे चैतू ला के हरि के भजन नहीं करे, हरि के भजन नहीं करे गोठियाए ला परले, तोर मुँह लका दिखावे कोयलल चुपर ले। याद कर 9 महीना टंगाए रहे, 9 महीना टंगाए रहे दाई के पेट मा, दिन रात करीच रखवारी ओहा कतका रेट मा, तोला कौन हिफाजत से निकालीच ओ गेट मा। बाहिर निकल के बाबू बाँझ गे फिकर ले, हरि के भजन नहीं करे गोठियाए ला पर ले, तोर मुँह लका दिखावे कोयलल चुपर ले। एक बात आऊ सुन कहित यमराज हा, दाई के थन भरिस जैसे दूध के गघरा, दाई के थन भरी जैसे दूध के गघरा, काला पी के जी जथे बताना एक अगरा, बन गे भोंगा चंद ऊपर लेकर था झगरा, बाहिर निकल के बाबू बाँझ गे फिकर ले, हरी के भजन नहीं करे गोठियाए लपर ले, तोर मुँह लका दिखावे कोयला ल चुपर ले। फिर चैतू दोबारा हाथ जोड़ के बोलते, महाराज मंगलू कसमहू ल बैकुंठ पार कर देवा। तब यमराज कही थे चैतू ये कर्म भूमि है, कर्म के फल तोला भोगे ला पर ही। हाँ आओ याद कर जेन विधाता तोला सब कुछ देस ओखर बदला मत है कालाए कुछ नहीं खाली हाथ आगे। याद कर ये चंदा सूरज अंजोर के, ये चंदा सूरज अंजोर के भुगतान कतेक है, ये धरती में रईथस तेखर लगान कतेक है, फोकट में पानी पीथस तेखर पियान कतेक है, दूसर के चीज ला बौरे मा ईमान कतेक है, बाहिर निकल के बाबू बाँझ गे फिकर ले, हरि के भजन नहीं करे गोठियाए लपर ले, तोर मुँह लका दिखावे कोयला ला चुपर ले। अंत में यमराज हा चैतू के अपराध ला क्षमा नहीं करीच, फिर ओला दोबारा 84 लाख जुनी ला भोगेल परीच, जीवन भर बुराई के संगत मा सुघर समय ला गंवा के चलीस, तेखरे से ती फिर दोबारा 84 लाख जुनी ला भोगेल परीच। अंत में यमराज हा चैतू के अपराध ला क्षमा नहीं करी, तभे तो गौ माता हा कही थे, मोर बेटा ला बैला बना के दिन भर नागर जोते, एक कुछ
चिटिक कहूं बैठ गे चिता मन भर सोटा मासूटे चिल्ला के गौ मात कहे ये जग के रखैया मन खे बड़े जान समझ के तहर कैसे जाके न रखमा गिर पड़े। मानव जीवन और पशु के जीवन कैसे है भैया एला भजन के माध्यम से सुनाओ। जगो करो विचार ये जिंदगी तोर सुघर है एकाया तोर सुघर है। ये मन के जगो करो विचार ये जिंदगी तोर सुघर है एकाया तोर सुघर है। पशु के बोली समझ नहीं आए दुख पीरल वो कैसे बताए। पशु के बोली समझ नहीं आए दुख पीरल वो कैसे बताए के उलटा नित दिन डंडा खाए। ए मन खे जागो करो विचार ये जिंदगी तोर सुघर है एकाया तोर सुघर है। पैरा भूसाला लक्ष्मी खाए पोखर कमैला दुनिया खाए। गौ के गोबर मा अन्न उपजाय दूध दही ला मानुष खाए। पैरा भूसाला लक्ष्मी खाए पोखर कमैला दुनिया खाए। गौ के गोबर मा अन्न उपजाय दूध दही ला मानुष खाए। हीरा मोती तोर तन मा सजे सोए बर सुघर पलंग बिछे। हीरा मोती तोर तन मा सजे सोए बर सुघर पलंग बिछे तभो मानुष समझ न पाए। ए मन खे जागो करो विचार ये जिंदगी तोर सुघर है एकाया तोर सुघर है। गाड़ी लखी चे नांगर फंदाए चिखला के वह तेल लगाए। बिना तौल के लदना लदाए दुख पीरल वह कैसे बताए। गाड़ी लखी चे नांगर फंदाए चिखला के वह तेल लगाए। बिना तौल के लदना लदाए दुख पीरल वह कैसे बताए। रहे बर महल अटारी हवै चढ़े बर होंडा गाड़ी हवै। रहे बर महल अटारी हवै चढ़े बर होंडा
मानुष समझन पाए ए मन खे जागो करो विचार ए जिंदगी तोर सुख रहे ए काया तोर सुख रहे ए मन खे जागो करो विचार ए जिंदगी तोर सुख रहे ए काया तोर सुख रहे पशु के बोली समझ नहीं आए दुख पीरल वो कैसे बताए पशु के बोली समझ नहीं आए दुख पीरल वो कैसे बताए के उलटा नित दिन डंडा खाए ए मन खे जागो करो विचार ए जिंदगी तोर सुख रहे ए काया तोर सुख रहे ए मन खे जागो करो विचार ए जिंदगी तोर सुख रहे ए काया तोर सुख तो भैया हो आज बैला भैंसा के क्षमता है 10 क्विंटल वजन ल खींचे के और भर्ती कतका है 13 क्विंटल आपन विचार करो 20 किलो के वजन बोहैया ला 30 किलो के वजन ला बोहा के देख वो मनखे का कही उतार उतार ददा जीव छूट जही ऐसे कहत रझाक ले पटक देही और बैला भैंसा हा अपन दुख लकाला बताही बोलत भी होही कुछ कहत भी होही त काला समझ में आही ओखर पास तो बोले बर वाणी नहीं है और मनखे के पास सब कुछ है भैया लेकिन समझ नहीं है। बोल सियावरे रामचंद्र की जय। आज हम 5-6 प्रकार के मौत ला रोज दिन आँखी में देखत हन और कान में सुनत हन तो आवाओ मौत कैसे होते एला जानी न। एक मैं मौत देखियो गाड़ी मोटर मा चपका के दूसरैया मौत देखियो घर मा फांसी लगा के तीसरैया मौत देखियो गोली जहर दवाई लखा के चौथैया मौत देखियो पानी पूरा मा बुहा के पांचवैया मौत सुने मैं भैया ये नवधा रामायण माया के छठवैया मौत देखे सुघर दार भात ला खाके। तो भैया हो भगवानी जीवा भगवान के दरबार में मरथे और बैकुंठ ला प्राप्त करथे और एक भगवानी जीवा सुघर दार भात ला खाके चुटपुट मरथे और नवा जन्म ला प्राप्त करथे तो आवाओ सबके कौन विधि में हो ही मरना कौन विधि में हो ही मरना कोई जाने न जाए कोई जाने न जाए इला भजन के माध्यम से सुना। सबके कौन विधि मा होही मरना कोई जाने न जाए कौन विधि मा होही मरना कोई जाने न जाए कौन विधि मा होही मरना
कोनो मार गोली बारूद मा कोनो तलवार मा कोनो मार गोली बारूद मा कोनो तलवार मा कोनो मर रुख राईले कोनो बीच खार मा कोनो मर रुख राईले कोनो बीच खार मा कोनो जीव फांसी रे लगा कोनो जीव फांसी रे लगा कौन विधि मा होही मरना कोई जाने न जाए कौन विधि मा होही मरना कोई जाने न जाए कौन विधि मा होही मरना कोनो मार गाड़ी मोटर मा कोनो गा जहाज मा कोनो मार गाड़ी मोटर मा कोनो गा जहाज मा कोनो मर चिंता फिकर मा कोनो गा बीमार मा कोनो मर चिंता फिकर मा कोनो गा बीमार मा कोनो जीवन नंदी रे बुहा कोनो जीवन नंदी रे बुहा कौन विधि मा होही मरना कोई जाने न जाए कौन विधि मा होही मरना कोई जाने न जाए कौन विधि मा होही मरना सबके कौन विधि मा होही मरना कोई जाने न जाए कौन विधि मा होही मरना कोई जाने न जाए कौन विधि मा होही मरना कोई जाने न जाए कौन विधि मा होही मरना कोई जाने न जाए कौन विधि मा होही मरना राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छू तो भैया हो जन्म ला सब कोई मनखे जान ले थे लेकिन मरना ला कोनो नहीं जाना है दाई दीदी बहनी मन ला एकर बारे मा अउ ज्यादा जानकारी रही थे उमला यहाँ तक पता रही थे कि भकाड़ू मंडल घर सावन मा छोकरा अवैया है लेकिन मरना ला कोनो नहीं बता सकें कौन मनखे कहाँ मरही कैसे मरही कतका बेर मरही एला कोनो नहीं जाना है संत कबीर साहेब जी अपन दोहावली मा लिखे हवै कि राम नाम के लूट है लूट सके तो लूट अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट कितना सुंदर दोहा है भैया तुमन ध्यान से सुनाओ
औ राम नाम रूपी धन ला कस के लूटाओ। औ नहीं लूटाओ ता मैं तो कही था राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं तो पाछू डहार भूत, नहीं सुहावे राम कथा हा तो खटिया में जाके सूत, भले पकड़ ले तोला भूत लेकिन ए तीर ले घूच। और राम कथा ला सुनना है प्रेम से तो सुन, यति उति काबर जाथा बैठ न चुपकुन, जवान होगी सियान होगे नहीं हच नानकुन, भगवान के कथा ला ध्यान से सुन, जिंदगी के नहीं आला पार करना है ता एक रास्ता चुन, भगवान के कथा ला ध्यान से सुन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर उमा पार्वती के बिहार सब देवता मन के द्वारा बड़ा मुश्किल में पक्का होइच, जैसे लगिन तिथि है बनीच, तब भगवान शंकर आकाशवाणी के माध्यम से पार्वती लगई थे, पार्वती जतका धन दौलत सोना चांदी के आभूषण रही से ओला मैं अपन भक्त मल्ला दान कर डारे हवा, अब मोर पास कोई चीज नहीं बाँचे है, हाँ लेकिन तोरबर जोरन के रूप में जियत जीव जंतु, मतलब कई किस्म के सांप बिछी के तोर अंग अंग वर गहना तैयार करे हवा पार्वती, तय हाँ सब गहना ला स्वीकार करवे तभे तोर मोर शादी है पूरा हो ही, नहीं तो नहीं होवे। तब पार्वती भगवान भोलेनाथ ला कही थे, कहा न भोलेनाथ मोर बर तुमन कैसन प्रकार के गहना तैयार करे हवा सुनावा तू भला, तो सुन पार्वती कही भोलेनाथ मुहलड़ी सांप के ककनी लाहू चूरी पिर पिटिया सांप के छह बुंदिया के टिकली लाहूं माला ढोंढिया सांप के दूध नांग के पैजन लाहूं कर धनिया यजगर सांप के भूरी बिछी के बाली लाहूं जोरन महमंडल सांप के गौहा डोमी के फूल गजरा लाहूं साड़ी बघवा खाल के भूत परत के बरतिया लाहूं पाउडर लाहूं मैं राख के। सब बात ला सुने के बाद जगदम्बा पार्वती भगवान भोलेनाथ ला कही थे, हे भोलेनाथ मैं तुमला पति पाए के खातिर 14,000 वर्ष तक जब तक करे हवा अन जल लत्यागे हवा, तका तुम्हार ढोंढिया असढ़िया ला डर रहा हूँ, मोरो एक ठीक कहना है। तब भगवान शंकर कही सुना न पार्वती तोरो मन के बात ला। तब पार्वती हा कही थे, लख चवरासी भटक के भोला चुने हवा पति तोला जग जन्मांतर छुटे जन पिरिया मोर पति शिव भोला। दोनों के मन आ गए। तब भगवान शंकर सजे धजे बारात लेके हिमाचल नगरी में जावत है। भगवान शंकर जी के अटपटा रूप ला देख के इती बर राजा और रानी और पूरा गांव वाले बिहाव ला कैंसिल करे बर प्रण ठान लीन भैया, लेकिन जगदम्बा पार्वती अपन बिहाव ला कैसे पूरा करते बोला भजन के माध्यम से सुनाओ। बोल शंकर भगवान की जय। शिव भोला यो घट दानी घर घर माहे बासा तो गंगा मैया चरण पखारे गंगा मैया चरण पखारे गिरिजा माथ नवावै तो दूजक चंदा माथ म सोहे जके चंदा माथ म सोहे हाथ म डमरू बिराजे तो सांप बिछी के माला पहिरे सांप
बिछी के माला पहिरे धन हे औ घट दानी मोर कैसे सजाए रूप लयापन ऐसे सजाए रूप लयापन काम देव लज्जित होई जाए आए दुल्हा राजा बनके आए दुल्हा राजा बनके बाजा गाजा संग बरात देख वहां के नर नारी मन देख वहां के नर नारी मन कांपत डरमा भागत जाए ऐसन दुल्हा कभू नहीं देखेन ऐसन दुल्हा कभू नहीं देखेन कैसे नाता जोरे राम माता मैना रो रो बोले माता मैना रो रो बोले सुन राजा अभी मोर बात ऐसन शादी नहीं होने दऊं ऐसन शादी नहीं होने दऊं भले हो ही जग मां बदनाम पार्वती सुंदर मोर बेटी पार्वती सुंदर मोर बेटी देखत माओल चंदा ला जाए ऐसन बैया भोला शिवर ऐसन बैया भोला शिवर वह तय नारद कर देखे उत्कल सुन के उमा भवानी उत्कल सुन के उमा भवानी मैया ला समझावत हे झन घबराना मोर माता वो झन घबराना मोर माता वो शिव के अटपट लीलाए समय पड़े मां देख हरिचंदला समय पड़े मां देख हरिचंदला झोली धर के मांगे भीख एक दरिद्र सुदामल देखले एक दरिद्र सुदामल देखले सुन के महल मां राज करे ब्रह्म के लिखा मिटे नहीं माता ब्रह्म के लिखा मिटे नहीं माता सुंदर पति शिव भोला मोर चार दिन के ये जिंदगानी चार दिन के ये जिंदगानी सुख दुख नहीं छूटे साथ जा मोर मैया रंग महल में मोर मैया रंग महल में होने दे शिव उमा बिहाव इहे के बात इहे राखौ जी इहे के बात इहे राखौ जी इहे के बात इहे राखौ जी इहे के बात इहे राखौ जी।